उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश नेतृत्वकर्ता। साथियों, आपने देखा होगा कल हमारी टीम के द्वारा अखंड परिश्रम करके इस कोरोना जैसे महामारी में अपने मान सम्मान के लिए एक बार पुनः अयोध्या की पावन धरती में संत शिरोमणि महाराज राजूदास जी से मिलने के लिए पूरी टीम अयोध्या की धरती पर पहुंची और हमने हमारी टीम के द्वारा आदरणीय महात्मा जी से हमारे कार्य को लेकर हो रहे विलंब के बारे में जानकारी आदरणीय महात्मा जी से चाही। आदरणीय महात्मा जी ने पूर्ण से आश्वस्त किया कि आपका भविष्य उज्जवल हो करके रहेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, जो लगातार प्रयास करता है साथियों, सफल वही होता है। आपने देखा होगा कि जब खरगोश और कछुए की दौड़ होती है तो खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता रहता है, अंत में खरगोश को परास्त कर देता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ जो लगातार प्रयास करता है जीत उसी को मिलती है। साथियों, मैंने देखा कि हमारे कुछ साथी जो लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, ऐसे साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र तिल 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 के मर रहा है, उन लोगों को जिंदाबाद करने की पड़ी हुई है। साथियों, दूसरी तरफ आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार अपनी जान की बाजी लगा करके अपने मान सम्मान के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास सफल हो रहा है, ये मैं दावे के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जरूरत है हमें समर्थन करने की। हमने कल आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अपने सभी भाई बहनों से एक आह्वान किया था कि जो साथी हमारे ट्विटर चला रहे हैं, उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप आदरणीय महात्मा संत शिरोमणि राजूदास महाराज जी को फॉलो कीजिए और उनके द्वारा जो ट्वीट किया जा रहा है आप लोग उसे रिट्वीट करने का कार्य कीजिए। यदि इस कार्य को आप लोगों ने एक जन आंदोलन बना दिया तो निश्चित रूप से जो कार्य हमारा एक महीने बाद होना है, निश्चित रूप से वो कार्य 15 दिन के अंदर हम कर गुजरेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे साथी ट्विटर नहीं चला पाते हैं, उन साथियों से कहना चाहता हूं कि घर से निकलिए, ये आराम करने का समय नहीं है। कहते हैं जो सोत है सो खोत है, जो जागत है सो पावत है। तो साथियों, आपको घरों से निकल करके पोस्ट ऑफिस जा करके पोस्ट कार्ड ले करके एक एक हमारा शिक्षा मित्र भाई बहन 10-15 पोस्ट कार्ड आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम अपनी पीड़ा को लिख करके डाकखाने में डालने का कार्य करेगा। यदि एक जनपद से हमारे 20,000 पोस्ट कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय पहुंचते हैं तो आप लोग विश्वास कर लीजिएगा कि आपकी जो लड़ाई और जो कार्य आपका एक महीना 1.5 महीने बाद होने वाला है, वो कार्य आपका 15 दिनों के अंदर दिखाई देगा। तो साथियों, यदि आप लोगों ने पूरी तन्मयता से आपने अगर हमारी टीम का सहयोग किया तो साथियों, वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र का मान सम्मान वापस होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जरूरत है, आप लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करिए, आदरणीय महात्मा जी के निर्देशों का पालन करिए। और मैं एक बात और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि साथियों, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं।
किसी पर तो विश्वास करना होगा। और जिस तरीके से आपने पूर्व में लड़ाइयां लड़ी हैं, एक बार पुनः लड़ने के लिए आपको घरों से निकलकर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप लोगों को आदरणीय महात्मा जी के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, आप लोग हमारा सहयोग करने का कार्य कीजिए। और जो लोग हमारी टांग खींचने का कार्य कर रहे हैं, उनकी टांग तो ईश्वर ने पहले ही खींच रखी है, वो अपने कर्मों को याद कर लें। तो साथियों, एक बार पुनः मैं अपने भाई बहनों से, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र इस कार्य को जन आंदोलन का रूप देगा और एक एक जनपद से 20-30 हजार पोस्ट कार्ड भेजने का कार्य करेगा। और जो हमारे सक्रिय साथी 10-20 हजार ट्विटर चला रहे हैं, वो लोग आदरणीय महात्मा जी को फॉलो करते हुए रिट्वीट करने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आपका जो कार्य एक महीने के बाद होगा, वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर दिखने लगेगा। और जो लोग कहते हैं कि कार्य हो चुका है तो पोस्ट कार्ड भेजने की क्या आवश्यकता है, तो साथियों मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहूंगा कि जो लगातार प्रयास करता है, कामयाबी उसी को मिलती है। एक कहानी मुझे याद आ रही है कि खरगोश और कछुए की दौड़ होती है। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है और कछुआ निरंतर धीरे धीरे उसके पीछे लगा रहता है। आगे जाकर के खरगोश को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, लेकिन कछुआ लगातार चलता रहता है और उसको क्रॉस करके वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार कार्य करने की आवश्यकता है। और मेरी आप लोगों से अपील है, इस कार्य को जरा आंदोलन का रूप दीजिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। कामयाबी तो आपके कदमों तले आपके कदम चूमेगी। आप कुछ कार्य तो करिए। और ऐसे लोग जो सिर्फ भगवान के सहारे रहते हैं कि भगवान मेरे खेत में ये पैदा कर देगा, भगवान ये दे देगा, ऐसे लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। सिर्फ दूसरे की टांग खींचना इनका काम होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपने भविष्य को लेकर के एक बार पुनः जोरदार तरीके से इसे आंदोलन का रूप दीजिए। साथियों, विश्वास दिलाता हूं, आपका कार्य जो एक महीने बाद होने वाला है, वो कार्य 15 दिन के अंदर आपके सामने दिखेगा। सिर्फ आप लोगों को, हमारी टीम को सहयोग करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि एक एक साथी हमारा सहयोग करेगा ताकि हम अपने मिशन को जीत करके आपके भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य कर सके। और धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महात्मा जी को, जो लगातार दिन रात उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सही समय पर सही कार्य करना ही रणनीति का अहम हिस्सा होता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, एक बार पुनः आगाह कर देना चाहता हूं, एक हिमांशु राणा उत्तर प्रदेश के 172,000 शिक्षा मित्रों को धूल चटा जाता है। क्यों? इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर कभी अपनी बात को लीक नहीं करता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 172,000 शिक्षा मित्रों के नेता जो लगातार ऑडियो वीडियो के माध्यम से बड़ी बड़ी कहानियां आप लोगों को सुनाया करते हैं, अब पूरी तरह सिर्फ वो धन लूटने के कार्य में लिप्त हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र के भविष्य को गर्त में ले जाते हैं। साथियों, सारी चीजें अभी सोशल मीडिया में कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य होगा वो उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के द्वारा होगा और श्रेय भी दिया जाएगा तो आदरणीय संत शिरोमणि महात्मा जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। मैं पुनः एक बार अपील करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस कार्य में हिस्सा लीजिए
और हमारी टीम को मजबूत कीजिए, ताकि आपके मिशन को लेकर के जो हमारी टीम संघर्ष कर रही है, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगी। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास महाराज, शिक्षा मित्र।